हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं यूनिट फाइव। तो यूनिट फाइव में आपके यूनिट फाइव का नाम है वेक्टर M2 में, और टॉपिक का नाम है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड या स्केलर फंक्शन, या ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन भी इसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं, और इसके बाद हम क्वेश्चन इसके करेंगे। तो यूनिट फाइव एक बहुत ही बड़ी यूनिट है, तो इसे हम सबसे पहले करने वाले हैं। तो फाई इज़ द फंक्शन या स्केलर फील्ड, तो फाई को एक फंक्शन कहते हैं, या एक फंक्शन है फाई, और इसे स्केलर फील्ड भी कहते हैं। यहाँ पर ग्रेडियंट फाई की वैल्यू होती है ऑपरेटर इनटू फाई, और इसे जो है ऑपरेटर कहते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, क्योंकि ये आगे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है वेक्टर यूनिट में। और इसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर की एक वैल्यू होती है ऑपरेटर इक्वल्स टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो ये वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो आपको कहीं भी आगे दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन फाई इक्वल्स टू एक्स वाई जेड का स्क्वायर एट द पॉइंट 1, 0 और 3। तो यहाँ पर हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है इसका, या ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन निकालना है इसका फाई इक्वल्स टू एक्स वाई जेड स्क्वायर का, और पॉइंट हमें दिए गए हैं 1, 0 और 3 पर। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कुछ भी दिया है आपको यहाँ पर लिख लेना है गिवन में। तो हमें दिया हुआ है फाई इक्वल्स टू एक्स वाई और जेड का स्क्वायर, इसके बाद एट पॉइंट, पॉइंट हमें दिया गया है 1, 0 और 3। इससे पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला क्या था, ग्रेडियंट फाई। आपको ये फार्मूला याद रखना है, ग्रेडियंट फाई इक्वल्स टू होता है ऑपरेटर फाई। तो ये जो है हमारा फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले में हम फाई की वैल्यू, हमें यहाँ पर एक्स वाई और जेड दी गई है, तो यहाँ पर इसे रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेटर भी साथ में है, तो ऑपरेटर की वैल्यू हमने इससे पहले देखी थी। ऑपरेटर की वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये जो होती है ऑपरेटर की वैल्यू हो गई। इसके बाद यहाँ पर फाई है, फाई हमारा इनटू में, तो यहाँ पर कर लेंगे फाई की वैल्यू है एक्स वाई और जेड का स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका पूरे स्टेप का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले करेंगे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड का स्क्वायर। इसके बाद प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और एक्स वाई और जेड का स्क्वायर। इसके बाद के कैप के साथ करेंगे, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड और एक्स वाई और जेड का स्क्वायर। यहाँ पर हमने सिंपली सा क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है, और ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आपको समझ में ना आए। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इसे, बहुत ही सिंपल है ग्रेडियंट फाई निकालना। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स है, डेल अपॉन डेल वाई है और डेल अपॉन डेल जेड है। तो इस डेल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसका मतलब है हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी ये डिफ्रेंशिएट का सिंबल होता है। तो डेल अपॉन डेल एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई और जेड स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से इस स्टेप में देखिए, डेल अपॉन डेल वाई यानी वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होना है, तो वाई को छोड़कर एक्स और जेड स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह से डेल अपॉन डेल जेड में, तो जेड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होगा, तो एक्स और वाई को यहाँ पर हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप और यहाँ पर ये वाई और जेड का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स और एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होगा प्लस जे कैप, और यहाँ पर बाहर क्या निकलेगा, एक्स और जेड का स्क्वायर, एक्स और जेड का स्क्वायर। इसके बाद डेल अपॉन डेल वाई और डिफ्रेंशिएट होगा वाई के रिस्पेक्ट में। इसके बाद इसी तरह यहाँ पर इस स्टेप में के कैप और यहाँ पर जेड को छोड़कर एक्स और वाई बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर डेल अपॉन डेल जेड और जेड स्क्वायर। तो आप यहाँ पर इसे सिंपली सा कर सकते हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में से डिफ्रेंशिएट करना है तो वाई और जेड को बाहर कर लिया, इसी तरह से यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स और जेड को बाहर कर लिया, और यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स और वाई को बाहर कर लिया। इसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो कैसे होगा, यहाँ पर जब ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो इसका आ जाएगा 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आई कैप वाई जेड का स्क्वायर, और एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1
और प्लस जे कैप, यहाँ पर एक्स और जेड का स्क्वायर, और यहाँ पर वाई का डिफरेंशिएशन भी वन हो जाएगा इसी तरीके से, प्लस के कैप एक्स वाई बाहर, और यहाँ पर जेड जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा टू जेड, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर हो जाएगा टू जेड। अब हम इसे थोड़ा सिस्टमेटिक जमा लेते हैं और अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वाई जेड का स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ पर ये आई कैप और यहाँ पर जे कैप, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा टू जेड एक्स वाई और के कैप। यहाँ पर हमें जो इक्वेशन मिली है इसे ग्रेडियंट फाई कहते हैं, और ये हमें ग्रेडियंट फाई की वैल्यू मिल चुकी है। अब ग्रेडियंट फाई की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया था, क्वेश्चन में दिया है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट 1, 0 और 3, तो हमें यहाँ पर 1, 0 और 3 का हमें पॉइंट पर निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट द पॉइंट, पॉइंट क्या क्या दिए हमें, 1, 0 और 3, 1, 0 और 3। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तरीके से एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें दी गई है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 0 और जेड इक्वल्स टू 3। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें जो है इसका जो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम जल्दी से वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पर 0 और जेड की जगह पर 3। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में वैल्यू हमें पुट करनी है, तो वाई की वैल्यू है सबसे पहले 0, जेड की वैल्यू है हमारे पास 3 और 3 का स्क्वायर है, इसके बाद यहाँ पर ये हो गया आई कैप, प्लस एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर एक्स के बाद यहाँ पर जेड है हमारे पास, तो जेड की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, और ये हो गया जे कैप, प्लस यहाँ पर आई कैप है और 2, जेड की वैल्यू है 3, एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू है यहाँ पर 0, वाई की वैल्यू है 0 के कैप। अब हम इसे सिंपली सा कैलकुलेट कर देंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होगा और जब इसका 0 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो ये होगा 0 आई कैप प्लस यहाँ पर 9 जे कैप प्लस यहाँ पर 6, और यहाँ पर 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा 0 के कैप। तो ये जो हमें वैल्यू मिल गई ये फाइनली आ जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 9 जे कैप, इसे हम 9 जे कैप लिख सकते हैं, और यही हमारा जो है आंसर है, और इसे ही हम ग्रेडियंट फाई कहते हैं। आप एक बार इसे फिर से समझ सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन फाई इक्वल्स टू एक्स वाई और जेड का स्क्वायर एट द पॉइंट 1, 0 और 3, तो हमें क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम फाई की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही दी गई है, और एट द पॉइंट 1, 0 और 3, यहाँ पर ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला होता है ऑपरेटर फाई। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर ऑपरेटर की वैल्यू रखी, ऑपरेटर की वैल्यू होती है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और ऑपरेटर की वैल्यू एक्स वाई और जेड हमें क्वेश्चन में पहले से दी गई है, इसमें हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया सबके साथ, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स के साथ, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई के साथ और के कैप डेल अपॉन डेल जेड के साथ। इसके बाद क्या किया, यहाँ पर डिफरेंशिएट करके हमने डिफरेंशिएट करके क्या निकाल ली, ग्रेडियंट फाई की वैल्यू निकाल ली, और इन पॉइंट को मान लिया एक्स वाई और जेड की वैल्यू, और जैसे ही हमने यहाँ पर ये वैल्यू रखी तो हमें यहाँ पर ग्रेडियंट फाई जो हमें मिला आंसर फाइनली 9 जे कैप। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा ग्रेडियंट फाई निकालना यूनिट 5 वेक्टर से, तो ये तो आज का वीडियो बेसिक था और बेसिक क्वेश्चन हमने यहाँ पर पहला लिया है, इसके बाद हम और भी क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसे अच्छे से नोट करके और समझ कर लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।